Now, as what all of us have been waiting for, we request Sri Devenji to not say just a few words, but a little more than a few words. Please join us. BJP के अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मेरे सहयोगी श्री राहुल नार्वेकर जी, जनप्रिय कॉर्पोरेटर्स अर्षिता नार्वेकर, मकरंद नार्वेकर, श्री विद्वान चतुर्वेदी जी, मोहित चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी परिवार के सभी सदस्यगण, कफ परेड के सभी निवासी उपस्थित भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में उनको नमन करता हूं और साथ साथ सभी को क्रिसमस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है कि इस देश के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक परंपरा की शुरुआत जिन्होंने की, ऐसे आदरणीय बाबूजी, इनके नाम से इस कफ परेड में आज एक चौक का नामकरण हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे कॉर्पोरेटर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत सही डिसीजन लिया। हम रास्ते पर जब चलते हैं तो मील का पत्थर जो होता है वो हमें अपनी मंजिल बताता है, वैसे ही कफ परेड के रास्ते पर चलते हुए हमारे युवाओं के लिए ये चौक का जो नामकरण है एक मील का पत्थर साबित होगा और प्रेरित करेगा उनको देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए और अकाउंटेंसी, और मैं उससे भी ज्यादा कहता हूं अकाउंटेंसी इसलिए बहुत महत्व की है क्योंकि कोई भी राष्ट्र या समाज जब अकाउंटेबल होता है तभी वो प्रगति करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू एफिशिएंसी, और ये तीनों चीजें जहां आ जाती है वहीं पर प्रगति होती है, वहीं पर इक्विटी होती है, और इसलिए इन सारे मूल्यों को जिन्होंने समाज के भीतर प्रस्थापित किया, ऐसे बाबूजी को हम सभी लोग आज याद कर रहे हैं। जैसा मंगल जी ने बताया चतुर्वेदी परिवार के बारे में, तो मैं भी ये मानता हूं कि हमारी भाषा न जानने वाले जो लोग विदेश से आते होंगे उनको लगता होगा कि शायद भारत की भाषा में सीए को चतुर्वेदी कहते हैं। इतनी पीढ़ियों तक इस धरोहर को संभाल कर रखना, आगे ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य है। और मैं ये मानता हूं कि आप लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस कारण भी है कि एक बहुत लंबी परंपरा इस फैमिली की, इस घराने की रही है, और मुझे इस बात का गर्व है कि आगरा से जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को चकमा देकर पलायन किया
और स्वराज्य की निर्मिति के लिए वापस महाराष्ट्र की ओर वो आए, उस समय मुगलों से डरे बिना चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने महाराज का समर्थन किया, सेवा दी। उनमें से एक चतुर्वेदी परिवार है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार के संस्कारों को और मूल्यों को लेकर जब आप जीवन में जीते हो तो देश सेवा, समाज सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और बाबूजी ने यही काम किया, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हुए सीए इंस्टीट्यूट की स्थापना से लेकर तो देश के कई स्वनाम धन्य ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तैयार करने तक ये जो बाबूजी का कंट्रीब्यूशन है, मैं ऐसा मानता हूं कि समूचा भारत इसको भूल नहीं सकता। और इसीलिए ऐसे एक व्यक्ति का हम नाम दे रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें, उनकी की हुई समाज सेवा, उनके लिए हुए निर्णय, ये सब अपने आप में बाबूजी को महान बनाते हैं। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति का नाम आज यहां पर जो दिया जा रहा है, ये हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। मैं चतुर्वेदी परिवार को शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी दिव्य परंपरा आपको प्राप्त हुई है, एक बहुत ही उज्ज्वल और ओजस्वी धरोहर आपको प्राप्त हुई है, और पांचवी पीढ़ी भी उस परंपरा को, धरोहर को निभाने का प्रयास कर रही है। तो इसी प्रकार से जो बाबूजी ने समाज के लिए कार्य किया और समाज में जो एक नाम तैयार किया, उसी को आप आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। फिर एक बार हमारे कॉर्पोरेटर्स का, राहुल जी का और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।